तो वहीं शिवपुरी ईडीएम पर सख्त एक्शन की तैयारी है। ईडीएम के विवादित बोल पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान आया है। अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा, गृह मंत्री की तरफ से कहा गया है एडीएम के तबादले की कार्रवाई जल्द। नरोत्तम मिश्रा ने ये बड़ी बातें कही है। न्यूज स्टेट की खबर का असर हुआ है, न्यूज स्टेट ने प्रमुखता से इस खबर को उठाया था। देखिए जरा, इस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया था, इस ये एडीएम के जो बिगड़े बोल थे उसे आपको सुनवाया था और उस पर अब जल्द कार्रवाई की बात कही गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तरफ से अनुशासनात्मक कार्रवाई को लेकर निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है, गृह मंत्री ने कहा है, और उसके बाद कहा है कि एटीएम के तबादले की कार्रवाई जल्द होगी। न्यूज स्टेट की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। ये एटीएम पर एटीएम के जिस तरीके से पोल बिगड़ते नजर आए, जिस तरीके से वो इन चुनावों को लेकर वोट ना डालने की अपील कर रहा था और लोकतंत्र के लिए इसे खतरा बता रहा था, उस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया। उसके बाद अब इस पर कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि तबादले की कार्रवाई भी जल्द होगी, एटीएम का तबादला जल्द होगा और उसके अलावा वहां पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए भी निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा गया है। तो नरोत्तम मिश्रा ने चुनाव आयोग को यह पत्र लिखा है, पत्र लिखकर एडीएम के तबादले की मांग की गई है। शिवपुरी का एडीएम जब लगातार जनप्रतिनिधियों की तरफ से वोट डालने की अपील हो रही थी, लगातार लोग और जो लोग वोट डाल रहे थे वो लोगों से अपील कर रहे थे कि अगर अभी तक आपने वोट नहीं डाला है तो वोट डालिए, हर माध्यम से वोट डालने की अपील हो रही थी। तो दूसरी तरफ शिवपुरी का ईडीएम ये कहता नजर आते हैं, एक अधिकारी एक जिम्मेदार पद पर बैठे हैं उसके बावजूद भी वोट ना डालने की बात कहते हैं और साथ ही लोकतंत्र के लिए इसे खतरा बताते हैं। ये वीडियो हमने आपको प्रमुखता से दिखाया, ये खबर प्रमुखता से उठाई हमने और उसके बाद अब इसका असर देखने को मिला है। नरोत्तम मिश्रा जो कि राज्य के गृह मंत्री, उन्होंने संज्ञान लेते हुए इस मामले पर जल्द कार्रवाई की बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इसके लिए पत्र भी लिखा गया है निर्वाचन आयोग को। और इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शुभम फॉलोइन पर जुड़े हुए हैं। शुभम, किस तरीके का एक्शन होता हुआ अब नजर आएगा एटीएम पर? देखिए, ज्यादा से ज्यादा बड़ी कार्रवाई यहां पर यही होती है कि ट्रांसफर कर दिया जाएगा और यही पत्र सरकार ने चुनाव आयोग को लिखा है और ये कहा है कि जिस तरह का बयान उनकी ओर से आया है उन्हें हटाने की कार्रवाई की मांग की है और चुनाव आयोग की ओर से आज संभवतः परमिशन भी दे दी जाएगी कि हाँ उनका तबादला यहाँ से कर दिया जाए और आज एक आदेश जारी होगा जिसमें उनका तबादला कहीं और कर दिया जाएगा। बिल्कुल, और इस तरीके की कार्रवाई वहां पर की गई है। लेकिन शुभम, अब जिस तरीके से गृह मंत्री ने तुरंत इस पर संज्ञान लिया है, तुरंत कार्रवाई को लेकर वहां पर कहा गया है, अब क्या माने कि ऐसे अधिकारी जो गलत तरीके की बयानबाजी करते हैं, जिनके बोल बिगड़ते नजर आते हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं सख्त संदेश देने का प्रयास है? ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा। और कल से ही सब इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार इस तरह का बयान उनकी ओर से आया है, अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई है, सरकार एक्शन में क्यों नहीं है, और कल से ही इस पर विचार करना सरकार ने भी शुरू किया था। लिहाजा आज सीधे तौर पर चुनाव आयोग को ये पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने कार्रवाई की मांग की है और चुनाव आयोग की ओर से आज जैसे ही इसको लेकर अनुमति आती है उसके बाद उन पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक, शुक्रिया शुभम आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और आइए अब आपको रिपोर्ट के जरिए पूरा मामला दिखाते हैं। एक तरफ प्रदेश में मतदान, दूसरी तरफ एडीएम का बेतुका बयान, चुनाव को लेकर एडीएम का ज्ञान, वोटिंग और लोकतंत्र को बताया सबसे बड़ी गलती। आपने वोट डाल के आज तक क्या किया और हमने डाल के क्या किया आज तक, कितनी भ्रष्ट नेता पैदा की है। मैं तो वोट डालना, मैं तो ये समझता हूँ कि वास्तव में बहुत बड़ी गलती है, लोकतंत्र हमारे देश की सबसे बड़ी गलती है। तो सुना आपने, सरकार के ऊंचे औहदे पर बैठे इन अधिकारी की मतदान और लोकतंत्र को लेकर क्या सोच है। दरअसल ड्यूटी कर्मचारियों के मतपत्र समाप्त होने पर जब कुछ लोग एटीएम के पास शिकायत लेकर पहुंचे तो उन्होंने लोकतंत्र पर ज्ञान दे दिया।
शिवपुरी में मतदान के दिन सामने आए इस वीडियो में एडीएम कह रहे हैं कि वोट डालकर कितने भ्रष्ट नेता पैदा किए हैं। वोट डालना और लोकतंत्र हमारे देश की सबसे बड़ी गलती है। आपने वोट डाल के आज तक क्या किया और हमने डाल के क्या किया आज तक, कितनी कितनी भ्रष्ट नेता पैदा किए। मैं तो वोट डालना मैं तो ये समझता हूँ कि वास्तव में बहुत बड़ी गलती है। लोकतंत्र हमारे देश की सबसे बड़ी गलती है। एक कुर्सी से अगर बात करूँ सबसे बड़ी गलती है। एडीएम के इस वीडियो के सामने आने के बाद कांग्रेस ऐसे अधिकारी पर कार्रवाई की मांग कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार के संरक्षण में अधिकारियों की भाषा ऐसी हो गई है कि किसी भी अधिकारी का इस तरह का आचरण दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को इस मामले में कार्रवाई करना चाहिए। साथ ही भारतीय जनता पार्टी सरकार के तंत्र को भी खोलता है। अधिकारी ने 18 सालों में केवल भ्रष्ट भाजपा की सरकार देखी, चारों तरफ भ्रष्टाचार का आलम देखा, इसलिए भाजपा सरकार में जो देखा वही अधिकारी बता रहे हैं। इस तरह का आचरण संवैधानिक व्यवस्था में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। सरकार तत्काल कार्रवाई करे। बीजेपी ने एडीएम के इस वीडियो के खिलाफ अपनी बात रखी। बीजेपी का कहना है कि इस प्रकार बोलना गलत है, ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है। लोकतंत्र में वोट डालना ही ये एक संवैधानिक व्यवस्था भी है और किसको डालना नहीं डालना ये व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता है। लेकिन अगर इस प्रकार का सोच है तो दुर्भाग्यपूर्ण है और ये अगर सही है तो इस पर कार्यवाही होना चाहिए। नगरीय निकाय चुनाव में इस बार मतदान का प्रतिशत काफी कम रहा है। मतदान प्रतिशत को लेकर सरकार में चिंता है। वहीं एडीएम का ये वीडियो इस बात को साफ कर रहा है कि मतदान कम होने का एक बड़ा कारण इस प्रकार के अधिकारी भी हैं। नितेंद्र शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। और आइए अब आपको सुनाते हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस पर इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है। बहुत गंभीर विषय था ये एडीएम साहब का और सरकार ने इसे काफी गंभीरता से लिया था। कल हमने कल ही अनुशासनात्मक कार्रवाई का उनको नोटिस दे दिया था और चुनाव आयोग को कल उनके स्थानांतरण के लिए कल ही लिख दिया था। चुनाव आयोग से अनुमति आ गई है, संभवतः आज उन्हें हटा दिया जाएगा। और इसी के साथ यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का।